अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम असाइनमेंट के हिसाब से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ऑड मैन आउट, जो हरूफ अलग होगा उसी के ऊपर हम क्रॉस करते सीखेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहली लाइन के अंदर हम क्या देख रहे हैं, तीनों बॉक्स के अंदर अलीफ लिखा हुआ है और एक ही बॉक्स में सा से सौब लिखा हुआ है, तो कौन सा हरूफ अलग है? तो हम अच्छी तरह से देख रहे हैं कि सा से सौब हरूफ अलग है, तो हमें सा के ऊपर इसी तरह क्रॉस करना है। प्यारे बच्चों, इसी तरह दूसरी लाइन के अंदर बा से बैत, बा से बबगा, तो बा हरूफ लिखे हुए है। यहाँ पर चार बॉक्स है और चार बॉक्स में कौन सा हरूफ अलग है, तो यहाँ पर भी सा से सौ हरूफ अलग है और उसी के ऊपर हमें क्रॉस करना है। इसी तरह तीसरी लाइन के अंदर यहाँ पर ता से तुफा हरूफ लिखे हुए हैं और ता से तुफा हरूफ के अंदर जीम हरूफ अलग है, तो हमें जीम के ऊपर इसी तरह क्रॉस करना है। प्यारे बच्चों, ता के बाद सा, सा से सौ, यहाँ पर सा से सौ तीन हरूफ लिखे हुए हैं और एक बॉक्स में अलीफ है, तो कौन सा हरूफ अलग है? अलीफ से अरनब, तो हमें अलीफ के ऊपर क्रॉस करना है। इसी तरह आगे जीम से जमल, जीम से जमल हरूफ की लाइन के अंदर कौन सा हरूफ अलग है? दाल से डुब, तो हमें दाल के ऊपर इसी तरह क्रॉस करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हा से हमामा, हा से हमामा वाली लाइन के अंदर बा से बबगा हरूफ अलग है, बा से बबगा के ऊपर हमें क्रॉस करना है। हा के बाद खा, खा से खमर, तो यहाँ पर खा से खमर की लाइन के अंदर कौन अलग है? सा से सौ हरूफ अलग है और उसी के ऊपर हमें क्रॉस करना है। खा के बाद दाल से डुब, दाल से डुब का माना है भालू, जिसे हम इंग्लिश में बियर कहते हैं, तो वो लाइन के अंदर कौन अलग है? बा अलग है, कौन अलग है? बा से बबगा, तो हमें बा के ऊपर इसी तरह क्रॉस करना है। प्यारे बच्चों, इसी तरह यहाँ पर जाल से जिब, यहाँ पर जाल से जिब जो लाइन है, जाल से जिब तीन बॉक्स के अंदर हरूफ लिखे हुए हैं, अलग कौन है? तो यहाँ पर हम पूरी लाइन में देखेंगे कौन सा हरूफ अलग है, तो से ताउस, तो से ताउस का माना पीकॉक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें तो के ऊपर क्रॉस करना है। प्यारे बच्चों, इसी तरह रा से रुमान का माना पॉमग्रेनेट, यहाँ पर रॉ के लाइन के अंदर दो हरूफ अलग है, दो से दन हरूफ लिखा हुआ है, तो वो कौन है? अलग है, तो हमें इसके ऊपर इसी तरह क्रॉस करना है। इसी तरह जा से जबीब, जा से जबीब का माना है किसमिस और जा वाली लाइन के अंदर सौद हरूफ अलग है, तो हमें सौद हरूफ के ऊपर इसी तरह क्रॉस करना है। जा के बाद सीन, यहाँ पर सीन से समक, सीन से समक का माना है मछली, तो सीन की लाइन के अंदर कौन अलग है? शीन, शीन से शजर हरूफ के ऊपर हमें इसी तरह क्रॉस करना है। शीन से शजर, शीन से शजर का माना है दरख, तो शीन से सजर की लाइन के अंदर कौन सा हरूफ अलग है? सीन से समक, सीन से समक का माना फीस, जिसे हम इंग्लिश में फीस कहते हैं, सीन से समक का माना फीस, हमें इसी तरह सीन के ऊपर क्रॉस करना है। इसी तरह सौत, सौत से सहन, सौत से सहन का माना है बाउल और उसमें कौन अलग है? लाइन के अंदर जा से जबीब हरूफ अलग है, तो जा से जबीब का माना है किसमिस, जिसे हम इंग्लिश में रेजिन कहते हैं, तो हम इसी तरह जा के ऊपर क्रॉस करेंगे। यहाँ पर दौद, दौद से दान, दौद से दान वाली लाइन के अंदर कौन सा हरूफ अलग है? तो हम अच्छी तरह से देख रहे हैं कि तीन बॉक्स के अंदर दौद है और एक ही बॉक्स में रासिलुमान हरूफ लिखा हुआ है, तो हमें रा के ऊपर इसी तरह क्रॉस करना है। इसी तरह तो से ताउस, तो से ताउस लिखे हुए हैं, तीनों बॉक्स के अंदर तो से ताउस हरूफ लिखे हुए हैं, तो कौन सा हरूफ अलग है? जा से जीप, तो हमें इसी तरह जा के ऊपर क्रॉस करना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा है? ऑड मैन आउट, यानी एक हरूफ जो अलग है उसे हमें आउट कर देना है, अलग कर देना है, और सेम टू सेम तीन चार बॉक्स के अंदर तीन हरूफ सेम है और एक हरूफ अलग है, इसलिए हमें जो अलग हो उसी के ऊपर हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। तो प्यारे बच्चों, हमें हमारी अरबी की नोटबुक में
इसी तरह सूचना लगानी है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑड मैन आउट लिख कर उसी के बाद हमें इसी तरह से बॉक्स बनाकर हरूफ को लिख कर जो अलग हो उसी के ऊपर हमें इसी तरह क्रॉस करना है। तो ये है हमारा आज का सबक और आज का होमवर्क। आगे के सबक में इंशाल्लाह हम नए सबक का रिवीजन करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।